ये तो हजारों बार बोला, अगर हमने गुड्स खरीदी है तो इवेंट क्या है परचेजेस, अगर हमने गुड्स बेची है तो इवेंट क्या है सेल्स। तो हम यहाँ पे गुड्स नहीं लिखेंगे, हम इवेंट का नाम लिखेंगे और वो इवेंट है परचेजेस। तो मैं लिखूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि तो हमने गुड्स को परचेज किया, परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस को डेबिट करेंगे क्यों, क्योंकि तो गुड्स रियल अकाउंट है, थिंग है, गुड्स आर कमिंग इन द बिजनेस, गुड्स आर टू बी डेबिटेड। इंस्टेड ऑफ गुड्स वी विल राइट डाउन द नेम ऑफ द इवेंट, सो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। बैंक, बेटे बैंक ने हमारे बिहाफ में पैसे दिए उसको जिससे हमने सामान खरीदा था, बैंक पर्सनल अकाउंट है। बताइए बैंक रिसीव कर रहा है या बैंक कुछ दे रहा है, वेदर बैंक इज रिसीविंग समथिंग और वेदर बैंक इज गिविंग समथिंग। बैंक इज गिविंग समथिंग बिकॉज जब वो चेक प्रेजेंट करेगा तो बैंक को पैसे देने पड़ेंगे हमारे बिहाफ में, तो बैंक पर्सनल अकाउंट है। क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस, क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस। तो बेटे मैं क्रेडिट करूंगा, आइए बैंक इज पर्सनल अकाउंट, देखिए क्या लिखा है, क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट विल मेक द जर्नल एंट्री। हम दोनों अकाउंट को जब कंबाइन करेंगे तो हमारी एक जर्नल एंट्री बनेगी, ठीक है। मैं बनाता हूँ जी वो जर्नल एंट्री, आप सब मेरे साथ साथ चले। मई फोर मैंने परचेजेस को डेबिट कर दिया, मैंने लिखा जी परचेजेस अकाउंट डेबिट, हटके टू बैंक, चेक दिया बैंक आएगा, कैश तो नहीं दिया, उधार में खरीदा नहीं है तो उसका नाम नहीं आएगा, कोई लायबिलिटी नहीं बन रही, कोई कर्ज नहीं बन रहा, और हम ये ट्रेडिशनल रूल फॉलो कर रहे हैं, हम अकाउंट को देख रहे हैं कि वो रियल में आ रहा है, नॉमिनल में आ रहा है या पर्सनल में आ रहा है। तो बेटे परचेजेस हमने की 4,000 रुपये की, तो 4,000 से डेबिट और 4,000 से क्रेडिट, नरेशन में लिख नहीं रहा, ब्रैकेट मैंने डाल दिया है और द एंड की लाइन डालता जा रहा हूँ। बेटे द एंड की लाइन भी डालता जा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ आया है। मैं मई फोर तक आ गया हूँ जी। अब आ गया जी मैं मई 7th में, आराम से बेटे मैंने 3 एंट्रीज पास भी कर दी। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो झुक के पढ़ रहा था, लेट के पढ़ रहा था, वो बेवकूफ है, क्या करूं, पानी पी ले भाई। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो चले आए, हमने 3 एंट्रीज पास कर दी है। अब हमने आना है मई 7, हम ट्रेडिशनल रूल फॉलो कर रहे हैं, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। एक बच्चा कहता है सर तीनों रूल से एंट्री वही आएंगी। बेटे मैंने दसियों बार कहा आप कोई भी रूल फॉलो करें, आपके माइंड में क्या चल रहा है उससे एग्जामिनर को क्या लेना है, एंट्री वही होने वाली है। सर पेपर में क्या करेंगे, बेटे वो लेक्चर 11 से बताया कि मैं पेपर में क्या करेंगे, अभी नहीं बता रहा। अभी यहां देखें, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ ₹2,500, एक ऑफिस की इक्विपमेंट खरीदी। इक्विपमेंट क्या होती है, कोई होगी मशीन, कोई होगी कंप्यूटर, कोई होगा चीज, कोई होगा मशीन जिसको हमने ऑफिस के लिए खरीदा, काउंटिंग मशीन, कैश काउंटिंग मशीन खरीदी, कितने की, ₹2,500। अब बेटे कोई हमारे को फ्री में तो देने वाला नहीं है, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। क्या कोई ऑफिस इक्विपमेंट हमें फ्री में देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। क्यों देगा भाई, कोई हमारा मामा है जो हमारे को फ्री में देगा, कुछ भी चीज इस दुनिया में फ्री नहीं मिलती। ये मेरा प्यार है जो अभी यूट्यूब में लेक्चर्स डाल रहा हूँ और आपको फ्री में दे रहा हूँ, सिर्फ प्यार है, ये ऐसा प्यार कहीं मिलता मिलता नहीं है। लगातार सारे लेक्चर्स डाल दिए, आप बाकी टीचर्स का देखिए, आपको खुद समझ आया कौन प्यार करता और कौन प्यार नहीं करता। जल्दी से 2 कीवर्ड्स ढूंढिए, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹2,500, जल्दी कीजिए। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता तो आपको पता है कि हमने परचेज कैसे करना है, बाय डिफॉल्ट हम कैश से परचेज करते हैं, ये बात आपको पता है। कि अगर मेंशन ही नहीं है, किसी का नाम भी नहीं लिखा, चेक भी नहीं लिखा, तो बेटे मरता क्या ना करता, मैं अज्यूम करता कि कैश में ही खरीदता। इसका मतलब मैंने ऑफिस इक्विपमेंट को खरीदा कैश देकर। बेटे ऑफिस इक्विपमेंट एक थिंग है, इसका मतलब इट विल कम इन रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट में ये हमारे बिजनेस में आ रही है। आओ ऑफिस इक्विपमेंट तुम्हें गले लगाएं,
आओ ना ऑफिस इक्विपमेंट, तुम हमारे बिजनेस में आ गई, तुम कितनी अच्छी हो, आ जाओ। पीछे से आवाज आई, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस। तो हमने कहा ऑफिस इक्विपमेंट तुम्हें हम डेबिट करेंगे, हम तुम्हें डेबिट करेंगे क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, हम तुम्हें डेबिट करेंगे। तो ऑफिस इक्विपमेंट को हम डेबिट करने वाले हैं, क्यों? डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, रियल अकाउंट, कैश जा रहा है बेटे, ये फ्री में तो आएगी नहीं, उसको कैश देना पड़ेगा। कैश थिंग है, कैश रियल अकाउंट की आइटम है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो रियल अकाउंट के रूल से ही यहाँ पे जनरल एंट्री बन जाती है। आइए जी देखिए, देखें 7 मई की क्या ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा मैंने, बड़ी मेहनत के साथ, सिर्फ इसलिए कि आपको समझ आए, आपको समझ आना चाहिए। ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको समझा के रहूँगा मई 7 की ट्रांजैक्शन। देखो कैसे हरे हरे रंग के एरोस बनाए कि आपको समझ आए, पैरेट ग्रीन कलर यूज किया, डार्क ग्रीन यूज किया, ये आपको क्लैरिटी मिले। तो जल्दी लिखते हैं जी, एक तरफ लिखिए ऑफिस इक्विपमेंट, एक बच्चा कह रहा ऐसे लिखना है, आप बेटे ऐसे लिख दो ना, आपको समझ आएगा ज्यादा यार, हर चीज पूछते हो अच्छा नहीं लगता, कमर सीधी करके बैठो। ऑफिस इक्विपमेंट कमिंग इन द बिजनेस, इट इज रियल अकाउंट, इट इज अ थिंग, समझ आ रहा फिर भी लिख रहे हैं, कसम है आपको। कैश इज गोइंग आउट, बेटे अप एरो आ रहा है, डाउन एरो जा रहा है। गोज आउट, इट इज रियल अकाउंट, इट इज रियल अकाउंट बिकॉज इट इज थिंग। तो आराम से हमने हमने डिसाइड कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया, हाँ क्या डिसाइड कर लिया कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। बेटे ऑफिस इक्विपमेंट, मैंने बताया था गुड्स दो प्रकार की होती हैं, गुड्स विच आर इन द नेचर ऑफ गुड्स एंड गुड्स विच आर नॉट इन द नेचर ऑफ गुड्स। बेटे वो ऑफिस इक्विपमेंट होती है विच आर नॉट इन द नेचर ऑफ गुड्स। तो ऑफिस इक्विपमेंट को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, थिंग डेबिट द थिंग विच इज कमिंग इन द बिजनेस, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, आपने एक ही लाइन में लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए 2 लाइन यूज कर रहा हूं। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हटके, हटके अज्यूम किया मैंने कि मैंने कैश में खरीदा। बेटे बाय डिफॉल्ट हम इसको मानेंगे कि हमने कैश में परचेज किया है, बाय डिफॉल्ट हमने कैश में परचेज किया है। तो हम अमाउंट लिख रहे हैं 2500 डेबिट करेंगे और 2500 रुपए ही क्रेडिट करेंगे। 2500 विल बी डेबिटेड एंड 2500 विल बी क्रेडिटेड। आराम से मैंने 4 ट्रांजैक्शंस एज पर ट्रेडिशनल रूल कर भी दी, कोई घबराने की बात है ही नहीं। आइए जी मई 8, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1200। आपने जो गुड्स पहले खरीदी थी उसमें कुछ काम वाम किया हुआ और आपने ₹1200 में बेच दी। अब मैंने आपको बताया जब भी हम बेचते हैं तो हम उस समय प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, नहीं तो दिक्कत आ जाती है। हम सेल्स अकाउंट अलग बनाएंगे, परचेजेस अकाउंट अलग बनाएंगे, साल के आखिरी में टोटल परचेजेस कर देंगे और टोटल सेल्स कर देंगे, उसके बाद प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो आराम से देखिए मई 8, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1200, आपने गुड्स बेची ₹1200, मतलब आपके बिजनेस में गुड्स बिक गई। गुड्स इज अ थिंग, थिंग का मतलब रियल अकाउंट। बेटे रियल अकाउंट में जाती है वो सारी चीजें जो थिंग्स होती है, आपको बताइए रियल अकाउंट है। क्रेडिट व्हाट इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस से जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, और जो आ रहा है कैश आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश इज अ थिंग, थिंग इज अ रियल, रियल इज व्हाट कम्स इन द बिजनेस। ऐसे एकदम आपके माइंड में क्लिक 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 होना चाहिए, आप बात समझ रहे हैं ना, क्वैक 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 माइंड में एकदम क्वैक क्वैक होना चाहिए। वो चीजें खुद आपको रिलेट करनी चाहिए और खुद आना शुरू हो जाएगा जब आप इसको लॉजिकली करोगे। और रट्टाफिकेशन करोगे तो 1000 क्वेश्चन करो तब भी नहीं आएगा, और लॉजिकली करोगे तो बेटे 2-3 क्वेश्चन में ही खुद ही ये थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और इस दुनिया में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक ना कि रट्टाफिकेशन। तो मैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश में देखता हूँ कि मैंने क्या प्रिपेयर किया है जो मैं आपको दिखा सकता। लो जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश
दो कीवर्ड्स, एक को गुड्स और दूसरा कैश। गुड्स भी थिंग है, कैश भी थिंग है, एज वी हैव डिस्कस्ड। वस्तु, वस्तु बेटे वस्तु है तो रियल अकाउंट में जाएगी। अब अगर एक वस्तु आ रही है तो बिजनेस में तो डेबिट कर देंगे, अगर एक वस्तु जा रही है तो क्रेडिट कर देंगे। आराम से, आराम से देखिए, देखिए डेबिट, देखिए बोथ आर रियल अकाउंट आइटम्स। इसका मतलब इस एंट्री में रियल अकाउंट के रूल से ही हमारी पूरी जनरल एंट्री बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो दो कीवर्ड्स हैं वो दोनों के दोनों रियल अकाउंट में फॉल कर रहे हैं, वो दोनों थिंग्स हैं, और उसका रूल यूज होगा। डेबिट द थिंग विच इज कमिंग इन द बिजनेस, क्रेडिट द थिंग विच इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो देखिए लिखा हुआ बोथ आर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। गुड्स जा रही है, अब बेटे गुड्स जा रही हैं तो गुड्स थिंग है, गुड्स जा रही हैं तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। लेकिन गुड्स की जगह हम उसके इवेंट का नाम लिखेंगे, कितनी बार बता दिया आपको, गला भी दर्द होने वाला है। सेल्स का नाम लिखेंगे, तो वही तो लिखा मैंने, गुड्स आर गोइंग आउट सो सेल्स विल बी क्रेडिटेड, कैश इज कमिंग इन सो डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस। आइए हम एंट्री पास कर दें, आइए बेटे हम जल्दी से एक बार एंट्री देख लें। Sold goods for cash 1200, मई 8। अब एक बच्चे ने लाइंस भी ड्रॉ नहीं करी, उसको लगा कि ऑलरेडी सोल्यूशन तो सर ने दिया हुआ है, लेकिन वो बेवकूफ बच्चा है क्योंकि वो ज्यादा चलाक बन रहा है और विद्या उसको कभी नहीं आती जो ज्यादा चलाक बनता है। मेरा एक्सपीरियंस ये है, चुपचाप नोट करो, चुपचाप लाइंस ड्रॉ करो, फालतू बात नहीं। कैश अकाउंट डेबिट, कैश को हमने डेबिट कर दिया, हटके हटके। टू टू गुड्स, गुड्स की जगह हाथ से का नाम, टू सेल्स। बेटे 1200 से डेबिट करेंगे और 1200 से ही क्रेडिट करेंगे। आराम से देख लें, नरेशन छोड़ दीजिए, आप बस एंट्री में देखिए आपको क्या समझ आ रहा है। एज पर ट्रेडिशनल रूल देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल, नॉमिनल एंड पर्सनल। नॉमिनल में सेवाएं आती, पर्सन में नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं, रियल में थिंग्स आती है। कोई टेंशन की बात नहीं है, आप पहले देख लें। मैं आ गया जी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, मई 8 के बाद आ गया 10 में। सोल्ड गुड्स टू कैटरीना, हमने कैटरीना को 800 रुपए की गुड्स बेच दी। हमने कैटरीना, कैटरीना एक व्यक्ति है, कैटरीना एक हीरोइन है, उसने 800 रुपए की गुड्स ले ली। कौन से ऐसे दो कीवर्ड्स हैं जिस पे इंपैक्ट आएगा? एक तो गुड्स पे आएगा, क्यों? क्योंकि गुड्स जा रही है, गुड्स थिंग्स है, थिंग्स रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, लेकिन हम गुड्स की जगह सेल्स लिखेंगे। दूसरा, कैश नहीं आ रहा, बैंक बैलेंस भी नहीं बढ़ रहा, चेक भी नहीं आ रहा, हमने उधार में बेची है। उधार में किसको बेची है? कैटरीना को। कैटरीना कौन है? एक जिंदा इंसान है। कैटरीना इज ए नेचुरल पर्सन। बताओ कैटरीना पर्सनल अकाउंट में आएगा क्या? पर्सनल में क्या कैटरीना बिजनेस से रिसीव कर रही है कुछ या बिजनेस को गिव कर रही है कुछ? वेदर कैटरीना कैश इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम द बिजनेस और कैटरीना कैश इज गिविंग समथिंग टू द बिजनेस, बताइए कैटरीना कैश क्या कर रही है? क्या रिसीव कर रही है या गिव कर रही है? कैटरीना कैश इज रिसीविंग समथिंग, कैटरीना is receiving something, kya receive kar rahi hai? Goods. Debit the receiver from the business, debit the receiver from the business, business se jo kuch le raha hai hum usko debit karenge. To maine mota moti aapko kahani bata di hai, aap aaram se pehle iski explanation likhe. Hani main 10 बेटा, मई 10 की ट्रांजेक्शन के लिए आपको मैंने पहले निर्देश दिया कि बताइए मेहरबान कदरदान कौन से ऐसे दो कीवर्ड्स हैं जो आपको लगते हैं कि बड़े कीमती हैं। मैंने उन दोनों कीवर्ड्स को ढूंढा, पहला कीवर्ड है गुड्स और दूसरा कीवर्ड है, बताइए जी, मैं नहीं बता रहा, मैंने खाली के लिख दिया। एक बच्चा कहता सर मैं समझ गया आपने के क्यों लिखा है। बेटे एक है कीवर्ड गुड्स और दूसरा कीवर्ड है के,
गुड्स आर द थिंग्स, सो रियल अकाउंट रूल विल बी अप्लीकेबल. बड़ी प्यारी सी बात लिखी है, गुड्स आर द थिंग्स बेटे, गुड्स आर द थिंग्स, सो रियल अकाउंट रूल विल बी एप्लीकेबल. बहुत ही बढ़िया. दूसरी बात, गुड्स का हादसा लिख दिया, सेल है. गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, सो सेल्स विल बी क्रेडिटेड. सो हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे. कैटरीना कैफ, के साहब, के हाँ बेटे, वो ये वही कैटरीना है जिसकी मंगनी भी हो चुकी थी रणबीर से, वो टूट गई बेटे, टूट गई. वही कैटरीना, हाँ लंदन वाली कैटरीना, हाँ वही जो सलमान खान ने जिसने लॉन्च किया था बेटे, लॉन्च पहली मूवी में सलमान खान ने किया था कैटरीना को, वही कैटरीना. हाँ जी वही कैटरीना क्या है, हाँ शीला, हाँ वही शीला वाली, शीला ये की जवानी तेरे हाथ न आनी. कैटरीना कैफ इज अ पर्सन, सो पर्सनल अकाउंट विल बी एप्लीकेबल एंड कैटरीना कैफ इज गेटिंग समथिंग फ्रॉम द बिजनेस. कैटरीना इज नॉट गिविंग समथिंग टू द बिजनेस, कैटरीना इज गेटिंग समथिंग फ्रॉम द बिजनेस. सो डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस, डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस. आइए जी हम जल्दी से इस ट्रांजेक्शन की भी एंट्री पास कर दें. आप डेट लिखें जी, मई दस कैटरीना कैफ अकाउंट डेबिट टू सेल्स. बेटा कैटरीना कैफ के अकाउंट को डेबिट कर दिया, सेल्स को क्रेडिट कर दिया. आप सब समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं. एक बच्चे ने पहली बार लेक्चर नंबर 10 ही देखा यूट्यूब में, वो तो डर से ही गया, उसको लगा पता नहीं क्या करा रहा है ये मास्टर, वो पागल हो गया है. लेकिन बेटे उसकी गलती ये है कि उसने बीच का लेक्चर देखा. अगर सच में ही जनरल एंट्री समझनी है तो बेटे लेक्चर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा. कैटरीना कैफ अकाउंट डेबिट टू सेल्स 800. आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं. मैंने कहा जी कोई मुश्किल ही नहीं है, जल्दी भी नहीं है. कैटरीना कैफ की एंट्री मैंने पास कर दी. मैं आ गया जी, गुड्स रिटर्न बाय कैटरीना. हाय 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 हाय, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, पता नहीं किसका मुंह देखा था. गुड्स जो कैटरीना को बेची थी उसमें से उसने 150 रुपए की गुड्स तो वापस भी कर दी. आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं. कैटरीना ने 150 रुपए की गुड्स हमें वापस कर दी. गुड्स रिटर्न बाय कैटरीना, गुड्स रिटर्न बाय कैटरीना. कैटरीना ने हमें 150 रुपए की गुड्स वापस कर दी. आप बताइए जी इसमें कौन से दो कीवर्ड्स हैं जो आपको लगता है बड़े इंपॉर्टेंट है. मैं बात कर रहा हूं समय मई 15 की. मैं नरेशन लिख देता हूं, गुड्स रिटर्न बाय कैटरीना वर्थ रुपीज 150, गुड्स वर्थ रुपीज 150 रिटर्न. मैंने आगे पीछे कर दिया, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, आप समझ रहे. रिटर्न बाय कैटरीना कैफ 150 रुपए के गुड्स कैटरीना कैफ ने वापस कर दी. पहले तो दो कीवर्ड्स बताइए, चाचा चौधरी एंड फैंटम के, कौन से ऐसे दो कीवर्ड्स हैं जो आपको लगता है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट है. बेटा इसमें एक तो गुड्स जो रिटर्न हुई है, एक तो गुड्स जिसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमने पहले उसको सेल किया था, उसमें से कुछ गुड्स उसने भेज दी, वापस कर दी. तो एक तो गुड्स रिटर्न एक कीवर्ड है, दूसरा कैटरीना कैफ एक कीवर्ड है. आराम से देख लीजिए, पहले मैं आगे चल ही नहीं रहा. आपको सबसे पहले कीवर्ड्स ढूंढने, ढूंढ लिए कीवर्ड्स, डिसाइड हो गया, अब हमें देखना है इसका नेचर क्या. बेटे कैटरीना कैफ के लिए तो 10 बार बोल दिया पर्सनल है, पर्सनल अकाउंट में नेचर है. बेटे जिंदा इंसान है, अभी भी जीवित है, अभी मूवीज में काम करती है, पर्सनल अकाउंट है. और दूसरा बेटे गुड्स आ रही है, गुड्स इज अ थिंग, गुड्स इज अ थिंग, चाहे वो किसी भी वजह से आ रही है हमें उसका मतलब नहीं है. पहली बात तो ये बताइए गुड्स
इज अ थिंग. सो गुड्स आ रही हैं, गुड्स गुड्स थिंग है, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस और डेबिट दोज थिंग्स विच आर कमिंग इन द बिजनेस. तो आराम से, हाँ वो आ रही है, हमने सेल्स की थी उसकी वजह से आ रही है. तो पहली बात, गुड्स रियल अकाउंट है, गुड्स आ रही है, डेबिट द थिंग विच इज कमिंग इन द बिजनेस, तो मैं गुड्स डेबिट करूंगा. लेकिन रुकिए, मैं हमेशा गुड्स का नाम नहीं लिखता, मैं गुड्स के पीछे उसके हाथ से का नाम लिखता हूँ. अगर परचेज की तो परचेज अकाउंट डेबिट, सेल की तो सेल लिखता हूँ. अगर अगर सेल रिटर्न है तो मैं सेल्स रिटर्न लिखूंगा, तो मैं गुड्स के नाम की जगह लिखूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. और कैटरीना कैफ मुझे दे रही है, कैटरीना पर्सनल अकाउंट है, बेटे बिजनेस को कुछ दे रही है, बेटे बिजनेस को कुछ दे रही है. मैंने कहा पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस, क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस. कैटरीना कैफ इज गिविंग समथिंग टू द बिजनेस, सो कैटरीना कैफ को हम क्रेडिट करेंगे, कैटरीना कैफ को क्रेडिट करेंगे और सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे. तो डिसाइड हो गया. आइए जी, आइए, मैं ट्रेडिशनल अकाउंट के हिसाब से चल रहा हूँ. मई 15 बेटे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15 मई की ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ. सेल्स रिटर्न, बेटे हाथ से का नाम लिख रहे, जगह नहीं है इसलिए दूसरी लाइन यूज कर रहा हूँ, आप एक ही में लिख सकते हैं, टू कैटरीना कैफ, क्योंकि कैटरीना कैफ पर्सनल अकाउंट है, उसने गुड्स हमें दिए एज ए पर्सनल अकाउंट है. तो बेटे कैटरीना कैफ ने गुड्स हमें दिए, तो मैं कितना लिखूं, 150 रुपये डेबिट कर रहा हूँ और 150 रुपये क्रेडिट कर रहा हूँ. आराम से बेटे, कोई टेंशन की बात नहीं है. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट. आज थोड़ी सी तबीयत ढीली सी है, कोई बात नहीं, मैं बेटे फिर भी पूरा 100% आपको समझाऊंगा. मैं समझाने में जरा सी भी कमी नहीं बरतूंगा, इस बात को आप देख लेना. सेल्स रिटर्न डेबिट टू कैटरीना कैफ, मैं समय जर्नल एंट्रीज पास कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं एज पर ट्रेडिशनल रूल. ओके, आगे चलो सर, ठीक है बेटे चल रहा हूं. सलमान खान विड्रॉ ₹8,000 फॉर पर्सनल यूज इन कैश. बेटा सलमान खान ने अपने घर के खर्चों के लिए ₹8,000 बिजनेस से कैश के विड्रॉ किए और घर ले गया. हमें बताया एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ओनर अलग व्यक्ति होता है, बिजनेस अलग होता है. तो यहां पर जो दो कीवर्ड्स बड़े कीमती हैं, पहला कीवर्ड है सलमान खान, वो दूसरा कीवर्ड है कैश. सलमान खान एक पर्सन का नाम है, इसका मतलब बताइए पर्सनल, बेटा वो ओनर भी है. अब बताइए सलमान खान बिजनेस से कुछ ले रहा है या सलमान खान बिजनेस को कुछ दे रहा है. बेटे सलमान खान बिजनेस से ले रहा है, कैश ले रहा है ₹8,000 का. तो डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस, हम सलमान खान को डेबिट करेंगे. लेकिन रुकिए, हम कभी भी ओनर का नाम यूज नहीं करते, उसकी जगह हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, या तो कैपिटल और या ड्रॉइंग्स. जब वो ले रहा है तो ये ड्रॉइंग्स है, जब वो दे रहा है तो कैपिटल है. तो बेटे मैं ड्रॉइंग्स का नाम यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ सलमान खान, आप समझ गए. तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे. दूसरा कैश जा रहा है, कैश थिंग है, कैश रियल अकाउंट है. क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट दैट थिंग व्हिच इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. समझ आया बेटे, आइए हम इसकी एक बार और समझ लें. वैसे तो इजी है, मैं कहें तो सीधी एंट्री पास कर दूं, मैंने समझा दिया. वैसे 18 मई है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट. ड्रॉइंग्स क्यों किया आपको समझ आ चुका है. टू कैश, कौन सा अकाउंट लगा रहे हैं ये भी पता चल चुका है. बेटा कितने पैसे ले रहा है, कितने लेके जा रहा है. ₹8,000 ड्रॉइंग्स में डाल दीजिए, ₹8,000 के मेरे पैसे कम हो गए. आराम से आप चेक कर लीजिए, कोई जल्दबाजी है ही नहीं. मैं बेटे नेक्स्ट अब पेज में आ गया और मैं आपको चाहता हूं कि जल्दी से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप देख लें और हम दो तीन ट्रांजेक्शन कर डालें.
24 मई, 27 मई, 30 मई, तीन ट्रांजेक्शन, और अगर आप तीनों देखें तो एक खासियत दिखेगी, पेड 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 बेटा, एक में सैलरी पेड है, एक में ऑफिस पेड है, एक में टेलीफोन बिल पेड है। लेकिन आपको पता है कि एक्चुअली में ये झूठे हैं, हमने टेलीफोन बिल पे नहीं किया, हमने कैश दिया है, तो सैलरी नहीं दी, कैश दिया है। तो बेटा एक वर्ड जो बड़ा प्रीशियस है, दो कीवर्ड्स, एक कैश और एक सेवा, सैलरी। हमने हमने कैश, कैश और सेवा दो चीजों को संगम करना है। तो आइए पहले हम लिखें पेड सैलरी ₹2500। मैं पहले आपको इसका एक्सप्लेनेशन लिखवा दूं, पेड सैलरीज 2500। आपको सबसे पहले दो कीवर्ड ढूंढने हैं, जो दो कीवर्ड बड़े कीमती है, एक तो कैश है और एक सैलरी। बेटा एक ये सेवा है, हमने सेवा ली थी और उसके बदले में उसको कैश दे दिया, सेवा ली, सैलरी ली। बेटे सेवा जब ली तो ऑल सेवाएं विल फॉल अंडर नॉमिनल अकाउंट। बेटे जब हमने सेवा ली तो हमने उसको कैश दिया, वो हमारा एक्सपेंस है, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उससे कैपिटल का बैलेंस लेस होता है। आप बताइए, पहली बात ये बताइए, सेवा एक नॉमिनल अकाउंट है या नहीं? नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल सेवाएं विच आर इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल सेवाएं जो हमने ली है उनको डेबिट करते हैं, ऑल सेवाएं जो हमने दी है वो हमारी इनकम है, हम उसको क्रेडिट करते हैं। बेटे यहाँ पे सेवा ली है या सेवा दी है? बेटे सेवा ली है, एक्सपेंस है, ये हमारा एक्सपेंस है, तो हम उस एक्सपेंस का नाम यूज करेंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, ये बात को समझ आ गई, सैलरी इज अ सेवा एंड हेंस इट विल फॉल इन नॉमिनल अकाउंट, ऑल एक्सपेंसेस all losses as per traditional account will be debited and cash is a thing. बेटे जा रहा है, real account है, credit what is going out of the business. बेटे cash जा रहा है, cash जा रहा है, cash को credit कर देंगे। आइए जी हम जल्दी से एक बार इसकी entry pass कर दें, paid salaries 2500, paid salaries 2500। तो हम लिख रहे हैं जी सैलरी, ऑल एक्सपेंसेस टू बी डेबिटेड, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब इस एंट्री में भी दो अकाउंट्स के संगम से, दो अकाउंट्स के मिलान से ये एंट्री बन पाई, एक नॉमिनल अकाउंट के रूल से और एक रियल अकाउंट के रूल से। और ये कौन से दिन की एंट्री है बेटे? 24 मई। तो यहां लिख दीजिए मई 24, आराम से मई 24। और बेटे कितने दिए? ₹2500 दे दिए बेटे, ₹2500 हमने सेवा ली 2500 की और कैश दे दिया, बी सैलरी पेड, सेवाएं हमने ली, हम रेशियो को लिख नहीं रहे। आप बताइए क्या ये बात समझ आ गई? बेटे हमें ट्रेडिशनल अकाउंट में देखना है कि क्या वो रियल अकाउंट की आइटम है। रियल अकाउंट में थिंग्स आती हैं, सेवाएं नॉमिनल में आती हैं, और तीसरे में पर्सनल अकाउंट में बेटे नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन आते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, पेड ऑफिस रेंट, तो बेटे आप बिल्कुल उसी मापदंड से चल रहा हूं, ऑफिस रेंट भी एक बेटा सेवा है। हमने उसका मकान लिया, उसका ऑफिस लिया, हमने इस्तेमाल किया, उससे सेवाएं ली, सेवाएं नॉमिनल अकाउंट है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बेटा ये एक तरह का एक्सपेंस ही है, हमने सेवाएं ली तो पैसे तो देने पड़ेंगे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड। तो मैं लिख रहा हूं जी ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिटेड, कैश दिया बेटे, एक्चुअली में तो कैश ही देते हैं बेटे, हम कैश ही देते हैं ₹1200। आराम से मैं ब्रैकेट में नरेशन लिखूंगा, लेकिन इस समय मेरा ध्यान बेटे खाली रूल्स के ऊपर है, ट्रेडिशनल रूल के बेसिस में मैंने पूरा क्वेश्चन कर डाला। एक बच्चा हैरान हो गया, उसने कहा सर इसी क्वेश्चन को हमने लेन देन से किया था, इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन से किया था, एंट्रीज बिल्कुल सेम आ रही है। हाँ बेटे यही तो खासियत है, मैं क्या कितनी बार तो कह चुका हूँ आपको। लास्ट बेटे टेलीफोन बिल को पे किया, टेलीफोन सर्विसेज ली, ये भी सेवाएं ली है और पैसे दिए, यहां पे कैश नहीं दिया, बैंक से पैसे दिए। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बैंक से पैसे दिए, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है। बताइए बैंक हमारे से ले रहा है या हमारे से हमारे को दे रहा है? सोचिए बेटे, बैंक हमारे को बेटे, बैंक जो है
गिव कर रहा है, गिव कर रहा है, ले कुछ नहीं रहा, क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस। तो आइए हम लास्ट एंट्री कर डालें, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। टू कैश, आराम से बेटे 2700। एक बच्चा कहता है नरेशन में लिखी कोई बात नहीं बेटा, लास्ट लिख देते हैं आपको समझ आ जाएगी। बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, यकीन मानिए आप किसी स्टडी से किसी बुक से इसके बाद पढ़ लीजिए। अभी मैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ जनरल एंट्रेंस के, पहले 13 तो बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे आप सभी, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा 15-20। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी लेवल का पेपर दे रहे हो मेरी बातों को ध्यान रखेंगे।